जय हिंद। फिजिक्स तो यंत्रों का ही खेल है। देखिए सेकेंड ईयर को जो पढ़ाने के लिए कितने यंत्र का कॉम्बिनेशन बनाए हुए, अभी बहुत सारे यंत्र इस टेबल पे अटे नहीं है, इसलिए अगले वीडियो में उसको हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर टेलीस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके बाद प्रिज्म है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इस सबका जरूरत पड़ता है पढ़ाने, बिना इंस्ट्रूमेंट दिखाए कोई पढ़ा दिया जाए तो अच्छे से समझ में नहीं आता है। देखिए जनरेटर का कंसेप्ट बताने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का है, फिर ये बैटरी एलिमिनेटर है, यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, उसके बाद इसमें कैपेसिटर है, फिर यहाँ पर लेजर लाइट का है, फिर यहाँ लेंस का पूरा किट है। तो सभी चीजों को समझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर डायोड है और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइस इसमें भी है, इसमें ये आपका जो है रेसिस्टर है और इसमें बहुत सारे चीज है, इसमें मोटर भी है, बहुत सारे चीज जो है इसमें। इंस्ट्रूमेंट अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि इस टेबल पर जितना आटा है उस पर रखे हुए हैं। लॉजिक गेट का भी किट रखे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, सब डिवाइस के रख के आप पढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं इस पे, क्योंकि जब तक डिवाइस नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, तो अच्छे से हम लोग जो उस चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बिना डिवाइस के ही बोर्ड पर दो चार को जो है फिगर बना बनाए घस दिया जाएगा, लेकिन उससे अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाया जाता है तो चीजों बहुत अच्छे से क्लियर हो पाती है। तो हमने उसको पूरा प्रयास किया है कि उस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें होते हैं ऐसे क्लियर। तो सोचिए थोड़ा सा चीजों को दिखाते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है कि सेकंड ईयर में कैसे पढ़ाई होता है, इसलिए सोचे हैं सब चीजों को हम दिखाते हैं कि सेकंड ईयर में क्या पढ़ाई का लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें जितने भी चीज जो टॉपिक आएंगे उस सब चीजों को एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा के एक्सपेरिमेंट करके तब उस चीजों को एक्सप्लेन करना है। और हम चाह रहे हैं कि टॉपिक को और अच्छे से और बेहतर बना के उसको उसमें हाई लेवल का कॉन्सेप्ट रहे। चलिए इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।